पांच नहीं, दो नहीं, हजार कॉम्पिटिटर आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो मैं हूँ। सर आज फेसबुक, क्या लगता है फेसबुक का आइडिया कॉपी नहीं हुआ होगा? हेलो, हुआ होगा? फिर भी है कोई मार्केट में, दिख रहा है? व्हाट्सएप के अलावा बहुत सारे चैटिंग करने वाले इक्विपमेंट है ना, है कोई मार्केट में? हम यूज करते हैं लिवाइस का जींस हम पहनते हैं ना, है कोई मार्केट में जो उसकी टक्कर का हो? बहुत सारे, उसके भी बाप है, उसके भी बाप है, लेकिन फिर भी जो पहनने वाले हैं उसका कस्टमर वो तो नहीं छोड़ के जाते। एडिडास, रिबॉक, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, ऐसी बहुत, मेरे पास होना चाहिए कि मैं नया क्या बना सकता हूँ और जो पुराना है उसको मैं तोड़ क्या सकता हूँ। तो एज अ बिजनेसमैन हमें ये तीन कैटेगरी, और ये मैं नहीं, ये किशोर बियानी खुद कहते हैं, जिनकी आज के टाइम पे 130 से ज्यादा आउटलेट हैं पूरे इंडिया में और 30,000 करोड़ का टर्नओवर है। 130 से ज्यादा आउटलेट हैं और 30,000 का टर्नओवर है, वो इंसान ये कहता है। तो फंड होगा तो आदमी कर सकता है। इसके अंदर भी क्या होता है, मार्केट में सर अगर आपको पता हो तो आपके पास आइडिया है तो लोग पैसा लगाने के लिए तैयार है। स्टार्टअप इंडिया करके हमारे यहाँ कंसेप्ट चलता है, शायद हम लोग को पता होगा। एक सिंपल एग्जांपल है, आपने डीमार्ट तो सब गए होंगे। यस। वो उसके को फाउंडर आर के दमानी। अभी डीमार्ट के तो कितने सारे, डीमार्ट के कॉम्पिटिटर कितने होंगे? यस। बहुत सारे। यस। लेकिन अभी भी वो एक ही कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है। यस। बाकी कोई कंपनी नहीं। ये डिपेंड करता है कि मेरी लर्निंग की कैपेसिटी कितनी स्पीड है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा कॉम्पिटिटर आ गए और मैं उसको बीट करने की कोशिश करूं, उससे बढ़िया मैं मेरे नॉलेज को यहां बढ़ाऊं कि मैं अपने आप को कैसे बढ़ा सकता हूं। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, राइट? सो वी हैव टू पे द प्राइस। हमें अगर कामयाबी पानी है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, शायद उससे आप और भी अंडरस्टैंड करेंगे। कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब आप अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे होते हैं तब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। ये सच है, जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा परेशानियां आएंगी, जिंदगी आपकी तरफ चट्टानों से वार करेगी, जिंदगी आपकी तरफ रुकावटें भेजते रहेगी। पर क्योंकि लोगों का ध्यान जिंदगी आराम से बिताने पर होता है, ना कि कुछ करने या ऊपर बढ़ने का, क्योंकि लोग ये नहीं पहचानना चाहते कि वो क्या नहीं कर सकते और उसे पास कैसे करा जाए। आप इस धरती पर इसलिए हो क्या ब्रेकफास्ट से डिनर? अगर आप अपने आप को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं दे रहे तो जिंदगी आपको लाखों कारण देगी कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आ सके। तो आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो फैसला कर लो कुछ सीखने का, लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी, उस टाइम पर आप अपनी किस्मत खुद ही बदल सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट जो हो रहा है उसे होने दें। एक रास्ता सक्सेस की ओर जाता है और दूसरा रास्ता पूरी जिंदगी स्ट्रगल की ओर जाता है। अब डिसीजन लेना आपके हाथ में। क्या लगता है जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की थी तो उसे शुरू करना बहुत आसान रहा होगा? क्या लगता है विराट कोहली की परफॉर्मेंस आराम करने से आई होगी? क्या लगता है चाय बेचने से प्रधानमंत्री बनने तक का रास्ता एक फूलों भरा रास्ता रहा होगा? नहीं तो आप क्यों ऐसी जगह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो जरूरी नहीं है? क्या आप दोस्तों के साथ समय बर्बाद कर रहे हैं, वो भी बिना मतलब की डिबेट में? आपको अपने लिए हार्ड डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। आपकी इच्छा ये होनी चाहिए कि आपके लिए अनकंफर्टेबल जैसी चीज कोई नहीं है, आप कैसे का सामना कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ताकि आप ग्रो कर सके। आप वो काम करें जो आज तक नहीं किया, वो चीजें बनाओ जो आपने अभी तक नहीं बनाई। ऐसी जगह जाओ जहाँ आप नहीं गए, सिर्फ ऐसे ही आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर जिंदगी भी आपको वो सब दे सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। पर जब आप काम खत्म कर देंगे तब हर किसी को सफलता की असली कीमत चुकानी पड़ती है और जिंदगी वो कीमत लेती है। जिंदगी आपको वो चीजें कभी नहीं देगी जिसकी
की कीमत आपने ना दी है, आपको सेक्रीफाइस पहले ही करना पड़ेगा। ये भी सिर्फ एक रास्ता है वहां पहुंचने का जहां आप जाना चाहते हैं। सिर्फ ये ही समय है जहां आप दिक्कत उठा सकते हैं, सिर्फ ये ही समय है कि आप अपने सपने को जी सकते हैं। मेरा ये वादा है कि जैसे ही आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर करोगे, आपके फ्रेंड्स नोटिस करेंगे, आपके कलीग नोटिस करेंगे, आपकी फैमिली नोटिस करेगी, आपकी जिंदगी भी नोटिस करेगी। जब जिंदगी आपको सपोर्ट देना शुरू कर चुकी होगी, कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं होगा, कुछ ऐसे लोगों से पहचान होगी जो आपके अगले लेवल पर ले जाएंगे, पर आपको पहला कदम देना होगा। तो वो लो और देखो आपकी जिंदगी कैसे महान बन सकती है। देखो कि आप वो इंसान बन जाओगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। ये सब तो आपका इंतजार कर रहे हैं कंफर्ट जोन के बाहर। उठाओ अपना पहला कदम। ये होता है। अब ये सारी चीजें तो हमारे लाइफ में आती है तो हम क्या कहते हैं पता है? मेरा कॉम्पिटिटर बहुत आगे है, मेरा मार्केट लोगों ने खराब कर दिया है, मार्केट के अंदर लोग बहुत अनएथिकली तरह के बिजनेस करके कस्टमर को लेके जा रहे हैं। हम अपने आप को दिलासा दिलाते हैं, अपने आप को ही दिलासा दिलाते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, इसका कारण कोई और है। लेकिन एक्चुअल देखने आए तो हमें पता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका कारण कौन है? क्योंकि हम ये करते हैं, हम कंफर्ट जोन के अंदर, हम अपने आप को तकलीफ ही नहीं देना चाहते, मार्केट में हम जाकर पता ही नहीं करना चाहते मेरे धंधे में नया क्या आया। मैं मार्केट में जाकर ऐसे लोगों से मिलता ही नहीं जो लोग इसी बिजनेस के अंदर, इसी फील्ड में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। मैं कभी किसी R&D, कभी किसी सेमिनार में या कभी किसी जगह जाता ही नहीं कि जहां पर मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाने के नए आइडियाज आए, बल्कि उससे बढ़िया मैं मेरी ऑफिस में बैठूंगा, AC में रहूंगा, TV देखूंगा, गप्पे मारूंगा, वो चलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वो लोग पेन लेते हैं, तकलीफ लेते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं, वो पेन जोन के अंदर जाते हैं, और जो पेन जोन में जाते हैं फिर उनको वो सक्सेस जोन मिलती है। वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें बताई, क्या लगता है स्टीव जॉब्स ने जब कंपनी शुरू की एप्पल तो ऐसे ही खड़ी हो गई? उनके कॉम्पिटिटर नहीं आए होंगे? आज भी तो लोग हैं ना उनके कॉम्पिटिटर, मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी है भी, उनके भी तो कॉम्पिटिटर हैं, वो कैसे आगे निकल गए? हमने जानने की कोशिश ही नहीं की, हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की वो ऐसा क्यों कर सके, क्योंकि हम बैठे हैं कंफर्ट जोन के बाद और बाद में हम एक मस्त बोर्ड लगाते हैं, हमारे 30 वर्ष जूनी पेड़ी, हमारी BG कोई शाखा नहीं, प्रॉब्लम इज ऑनली दैट हम नया सीखने को तैयार ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते, और हम अपने आप को ये समझा के बैठ जाते हैं, अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं मेरे को जितना सीखना था मैंने सीख लिया, जितना समझना था मैंने समझ लिया, अब इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पता होगा मार्केट में, इससे ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, और वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो कंफर्ट जोन से आना बहुत जरूरी है, एंड कंफर्ट जोन के बिना हम नहीं आगे बढ़ सकते, उससे बाहर निकल भी ना, एंड उसके लिए होना चाहिए सबसे पहले क्लियर गोल। कितने लोग, इवन बहुत सारे लोग गोल बात करते हैं कि गोल क्या है, गोल लिखना चाहिए 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का। मैं खाली एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कल क्या करना है वो आपको आज पता है? कल आप पूरा दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप क्या करोगे, क्या आपको क्लियर है? अगर हाँ तो मेरा कल का दिन बेस्ट जाएगा, और मैंने खाली कल को बेस्ट बना लिया तो मेरा साल,
मेरा सालों साल बढ़िया जाएगा। एंड प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हम गोल लिखते हैं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, लेकिन क्लियर कल का नहीं होता। तो हमें जरूरी है कल की क्लियरिटी होनी। एंड गोल के बारे में एक बिजनेस, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर एक सर्वे किया गया और उसमें यह बताया गया कि आप लोग अपना गोल लिखिए, स्टूडेंट को कहा गया आप अपना गोल लिखिए, तो उसमें से लगभग 80% लोगों ने कोई गोल नहीं लिखा। कोई गोल नहीं, कोई विजन नहीं, जो होगा तो देख लेंगे। उसके बाद में 17% लोगों ने गोल लिखा या गोल बनाया कि मेरे को ऐसा करना है। एंड 3% लोग थे जिन लोगों ने गोल के साथ डेट मारी कि इस तारीख तक, इस दिन ये चीजें मैं पूरी करूंगा। एंड 10 साल के बाद फिर से 1900 लोगों का सर्वे किया गया तो पता चला ये 3% लोग थे वो अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब थे। ये 17% लोग अपनी जिंदगी के अंदर थोड़े बहुत आगे बढ़ चुके थे, बाकी ये 80% लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। और उस टाइम पे गोल का एक परिभाषा दिया गया कि गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, क्लियर होना चाहिए। मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, किस कलर में चाहिए, किस जगह पर चाहिए और किस हालात में चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, जिसको हम माप सके, जिसको हम कि ये गोल इस तरीके से हो सकता है। एग्रीड अपॉन, जिस पर मैं खुद अपने आप को ये कहूं कि नहीं, ये मैं कर सकता हूं या ये मैं पा सकता हूं। नहीं तो गोल बनाने वाले ऐसे भी हैं, मेरे को चांद पे अपना घर बनाना, ना वो स्पेसिफिक है, ना वो मेजरेबल है, ना वो खुद पर वो अपने आप को एग्री करते हैं कि मैं ये गोल पा सकूंगा। एंड रियलिस्टिक, वाकई में हो सके ऐसा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाइम वेस्ट, कब चाहिए गोल, ये कब पाना है मुझे, ये जब पाना है तब, नॉट क्लियर टाइम। सो गोल शुड बी स्मार्ट, गोल क्लियर होनी चाहिए। एंड जिस तरीके से हम गोल बनाएंगे अगर स्मार्ट तरीके से, तो डेफिनेटली उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विजन एंड मिशन, जिंदगी के अंदर एक इंसान का विजन और मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको केस स्टडी बताता हूं। बट उससे पहले मैं चाहता हूं आपके पास में एक शीट है, ओपन कीजिए आप उसका फाइल। पांचवा पेज, विजन स्टेटमेंट एंड गोल फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। मेरा विजन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? मैं एक बुक पढ़ रहा था एंड बुक के अंदर ऐसा लिखा था कि अगर आपका विजन अगर आपको और आपकी टीम को इंस्पायर नहीं करता है तो वो आपका विजन नहीं है। अगर आपका विजन, आपकी टीम ये नहीं समझती कि आपके विजन में वो खुद अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है तो वो आपका विजन नहीं है। विजन क्लियर होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए। एज ए गुरुकुल मैं आज यहां पर क्यों खड़ा हूं, क्योंकि आने वाले 10 साल के अंदर मैं 5000 एमएसएमई बिजनेस को जितने भी रुपए की उनकी कंपनी हो 500 करोड़ तक लेके जाना चाहता हूं। इसीलिए आज ये 25 तारीख 3 बजे 2017 में विशाल आपके सामने खड़ा है। ये मेरा क्लियर विजन, और उस विजन को पूरा करने के लिए जो करना है, जो रास्ते हैं, वो मेरा मिशन होगा। जैसे कि इस 500 करोड़ के टर्नओवर को अचीव करने के लिए मेरे पास में नॉलेज और स्किल होनी चाहिए जो मैं बिजनेसमैन को दे सकूं। एंड गोल फॉर द 1 ईयर कि आने वाले 1 साल के अंदर, इस साल 2017 तक हम 100 कंपनीज को अपना ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम पहुंचाएंगे। ये मेरा 1 साल का विजन।
तो ये मेरा विजन क्लियर होना चाहिए। एक केस स्टडी मैं आपको बताता हूं और वो केस स्टडी है गोदरेज की और ये स्टेटमेंट था आर्नोल्ड का, क्लैरिटी इज पावर। आई सेट अ गोल एंड देन आई डू व्हाट एवर इट टेक टू अचीव। मैं एक गोल सेट करता हूं और उस गोल को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। और यही कारण था कि आज आर्नोल्ड पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी मूवी बना चुके हैं कि जिसके अंदर उनको भी पता और हमें भी पता है कि कितनी बड़ी कामयाबी मिली थी। और मूवी का नाम था रॉकी।